अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इनटू सम आर डिफरेंस। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स हैं, इनका ताल्लुक लॉगरिथम के कुछ लॉज से हैं, जिसका फर्स्ट लॉ है, जो मैंने यहाँ पर साइड पे लिखा हुआ है, लॉग ए मल्टीप्लाई बी। लॉग के आर्गुमेंट में ए और बी, ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जब हम यानी ए के लॉग के अंदर ए और बी मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम लॉग अलग अलग लिखना चाहेंगे तो इस रूल के मुताबिक जो दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले वाले के साथ लॉग, दूसरे वाले के साथ लॉग, और बीच में प्लस साइन आएगा, तो लॉग ए प्लस लॉग बी। इसी तरह जिस तरह रूल नंबर 1 में, लॉ नंबर 1 में ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ए और बी अगर डिवाइड हो रहे हो, सेकंड वन में देखें तो लॉग ए ओवर बी इज इक्वल टू, अब अलग अलग लॉग डालेंगे तो लॉग ए माइनस लॉग बी, ऊपर वाले के साथ लॉग माइनस नीचे वाले के साथ, यानी लॉग ए माइनस लॉग बी। और थर्ड रूल जो है वो क्या है, लॉग एक्स पावर एन, अगर कोई नंबर है आर्गुमेंट में और उसके ऊपर पावर एन है, तो इस रूल के मुताबिक जो पावर है इसको हम शुरू में ले आएंगे एन और लॉग एक्स, तो जो बेस में है एक्स ये उसके आर्गुमेंट में रहेगा लॉग के, और जो पावर है या एक्सपोनेंट है उसको हम शुरू में लेके आएंगे, तो एन लॉग एक्स। तो इसके इन रूल्स को अप्लाई करते हुए हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है लॉग ए मल्टीप्लाई बी। तो जब हम रूल अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रूल सेम ऐसा ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं अलग अलग हम डालेंगे इसके साथ लॉग, तो लॉग ए प्लस लॉग बी, तो हमने इसको सम में लिख दिया। जिस तरह रूल नंबर 1 है ये सम है, सम वाला रूल है, और जो सेकंड रूल है ये डिफरेंस वाला है, और जो थर्ड है वो एक्सपोनेंट रूल है। अब आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। तो सेकंड पार्ट है लॉग, अब आर्गुमेंट में है 15.2 ओवर 30.5। इसके ऊपर सेकंड रूल अप्लाई होगा, यानी अब लॉग के आर्गुमेंट में दो नंबर्स हैं, एक न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है, तो हम लॉग न्यूमरेटर माइनस लॉग डिनोमिनेटर, तो लॉग 15.2 माइनस लॉग 30.5। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, लॉग 21 मल्टीप्लाई 5 ओवर 8। जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे रूल, तो सबसे पहले मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देता हूँ, तो 21.21 मल्टीप्लाई 5 ये न्यूमिनेटर में है और 8 डिनोमिनेटर में है, तो लॉग 21 मल्टीप्लाई 5 न्यूमिनेटर का लॉग, फिर माइनस लॉग डिनोमिनेटर में 8 है। और अगर हम देखें तो जो फर्स्ट लॉग लिखा हुआ है उसके ऊपर हम अगेन रूल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब लॉग के अंदर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको फर्स्ट रूल के मुताबिक लिख सकते हैं, तो लॉग 21 प्लस लॉग 5 माइनस लॉग 8। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, लॉग क्यूब रूट, उसके अंदर है 7/15, तो इसको हम यू लिख सकते हैं, लॉग 7/15 क्यूब रूट है, तो इसको हम लिख सकते हैं पावर 1/3। तो अब हम इसके ऊपर रूल अप्लाई करेंगे, यानी लॉग
7 ओवर 15 पावर 1 ओवर 3। अब हम इसके ऊपर रूल अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टॉप पे होल पावर 1 ओवर 3 है, तो पावर को हम शुरू में ले आएंगे, थर्ड रूल अप्लाई होगा इसके ऊपर, 1 ओवर 3 लॉग 7 ओवर 15। एक दफ़ा हमने एक्सपोनेंट वाला रूल अप्लाई किया और अब हम डिफरेंस वाला रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि 7 ओवर 15 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शन में है, तो 1 ओवर 3 बाहर ही रहेगा। मैं ब्रैकेट डालता हूँ, एक दो स्टेप बढ़ जाए लेकिन समझ आ जाए। अब आते हैं लॉग 7, अब डिफरेंस आएगा माइनस लॉग 15, और अगर हम 1 ओवर 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 ओवर 3 लॉग 7 माइनस 1 ओवर 3 लॉग 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट है, लॉग 22 पावर 1 ओवर 3 ओवर 5 पावर 3। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो दो नंबर्स है, अब होल पावर नहीं है, क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 की तरह होल पावर नहीं है। यहाँ पर 22 के ऊपर अलग पावर है और 5 के ऊपर अलग पावर है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं, सबसे पहले हमें एक फ्रैक्शन नज़र आता है, न्यूमिनेटर में 22 पावर 1 ओवर 3 है और डिनोमिनेटर में 5 पावर 3 है। तो मैं इसको लिखता हूँ, उसके ऊपर सेकेंड रूल अप्लाई होगा, लॉग यानी डिफरेंस वाला रूल अप्लाई होगा, लॉग 22 पावर 1 ओवर 3 माइनस लॉग 5 पावर 3। अब यहाँ पर दोनों लॉग में अगर हम देखेंगे तो एक नंबर के ऊपर पावर मौजूद है, तो एक्सपोनेंट रूल अप्लाई होगा। तो फर्स्ट वन देखेंगे, 1 ओवर 3 शुरू में आ जाएगा और लॉग 22 माइनस, अब यहाँ पर भी इस तरह से एक्सपोनेंट में पावर 3 है तो ये 3 शुरू में आ जाएगा, लॉग 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, सिक्स पार्ट, लॉग 25 मल्टीप्लाई 47 ओवर 29। यहाँ पर भी हम उसी तरह एक फ्रैक्शन हमें नज़र आ रहा है, तो लॉग ऑफ न्यूमरेटर 25 मल्टीप्लाई 47 माइनस लॉग 29। और अब यहाँ पर अगेन रूल अप्लाई होगा, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सम वाला रूल अप्लाई होगा, तो लॉग 25 प्लस लॉग 47 माइनस लॉग 29। तो अब ये सारे पार्ट्स हमने सॉल्व किए, इसके ऊपर हमने ये तीन रूल्स अप्लाई करने थे, वो तीन रूल्स हमने अप्लाई कर दिए लॉगरिथम। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, एक्सरसाइज 3.3, एक्सप्रेस लॉग एक्स माइनस 2 लॉग एक्स प्लस 3 लॉग एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज अ सिंगल लॉगरिथम। ये अलग अलग लॉग्स लिखे हुए हैं, इनके ऊपर हम लॉगरिथम के लॉज अप्लाई करेंगे और उसको सिंगल लॉगरिथम के फॉर्म में लिखेंगे। तो हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, तो उसको हम पहले लिखते हैं लॉग एक्स माइनस 2 लॉग एक्स प्लस 3 लॉग एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर मैं एक रूल लिखना चाहता हूँ जो मैं पहले अप्लाई करूँगा, वो है एक्सपोनेंट रूल, जिसको हम लिखते हैं इस तरह से, लॉग एक्स पावर एन, पावर यानी एक्सपोनेंट जो है वो एन है, तो जब हम ये रूल अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम पावर को हम शुरू में ले आएंगे एन,
और उसके बाद log x। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है, रिवर्स जाना है। अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ हो तो हम इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे। तो अब देखें ये जो हमारे पास जो टर्म्स हैं जिनका के लॉग के शुरू में कोई नंबर लिखा हुआ है, मसलन ये वाला, इसमें 2 जो है वो शुरू में लिखा हुआ है, और यह इसी तरह जो थर्ड टर्म है वहाँ पर भी 3 शुरू में लिखा हुआ है। तो इन दोनों टर्म्स के ऊपर हम अप्लाई करेंगे ये वाला रूल। तो हम इसको लिखते हैं लॉग एक्स माइनस, अब ये 2 मैं नहीं लिखूंगा, वो मैं x की पावर में लिखूंगा, log x पावर 2 प्लस, अब इस तरह ये 3 log के शुरू में लिखा हुआ है, इसको अब मैं नहीं लिखूंगा, उसको मैं पावर में लेके जाऊंगा x प्लस 1 पावर 3, और ये उसी तरह log x स्क्वायर माइनस 1। अब इस स्टेप में मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जो पॉजिटिव टर्म्स हैं और नेगेटिव टर्म्स हैं उनको मैं कंबाइन कर रहा हूँ, यानी पॉजिटिव टर्म्स इकट्ठे लिखूँगा और नेगेटिव टर्म्स इकट्ठे लिखूँगा। तो फर्स्ट टर्म जो है, जो कि लॉग एक्स है, वो पॉजिटिव है, वो मैंने पहले लिख दिया, और उसके बाद जो थर्ड टर्म है ये वाला और ये वाला, इन दोनों को मैं एक ही ब्रैकेट में लिखूँगा, लॉग एक्स प्लस 1 पावर 3। उसके बाद बाकी दो जो टर्म्स हैं, यानी माइनस लॉग एक्स स्क्वायर और माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1, इन दोनों से मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँगा, तो हमारे पास रह जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर माइनस, अब नहीं लिखूँगा क्योंकि मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया है, तो अब ये प्लस बन जाएगा, तो लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर भी उसी तरह मैं रूल अप्लाई करूँगा लॉगरिथम का, वो कौन सा रूल है, लॉग ए इन टू बी अगर हमारे पास हो तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। तो ये रूल है, अब हमारे पास लॉग ए प्लस लॉग बी की फॉर्म में लिखा हुआ होगा, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे इस वाले फॉर्म में। अब ज़रा देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज लाइक लॉग ए प्लस दिस इज लाइक लॉग बी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी लिखा हुआ है, इसको मैं लिखूँगा लॉग ए इन टू बी, तो लॉग ए विच इज एक्स इन टू बी विच इज एक्स प्लस 1 पावर 3 माइनस, अब इस ब्रैकेट के अंदर लॉग एक्स स्क्वायर यानी लॉग ए प्लस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 मीन्स लॉग बी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी, इसको मैं लिखूंगा लॉग ए इंटू बी, तो लॉग ए इंटू लॉग बी। अब अगर हम देखें तो अब दो लॉग फिर हमारे पास नजर आ रहे हैं, तो इसके ऊपर हम रूल अप्लाई करेंगे लॉग ए ओवर बी। जब हम इसको रूल अप्लाई करेंगे तो क्या है रूल, कि लॉग ऑफ द न्यूमिनेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। अब हमारे पास इस फॉर्म में लिखा हुआ है और उसको मैं लेके आऊँगा इस फॉर्म में, तो अब ये दिस इज लाइक ए लॉग ए माइनस लॉग बी। तो अब मैं इसके ऊपर जब रूल अप्लाई करूंगा तो क्या लिखूंगा, मैं इसको मैं लिखूंगा लॉग ए ओवर बी, जिस तरह ये वाला रूल है लॉग ए ओवर बी, तो लॉग ए फर्स्ट वन इज ए एक्स इन टू एक्स प्लस 1 पावर 3 ओवर लॉग बी ओवर बी, तो एक्स स्क्वायर इन टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर कटिंग हो सकती है लेकिन हम कटिंग नहीं करेंगे, जस्ट हमने रूल को समझना था कि रूल हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास जो फाइनल आंसर है, यानी क्वेश्चन क्या था कि हम इन टर्म्स को सिंगल लॉगरिथम के फॉर्म में लिखेंगे,
तो ये देखिए हमारे पास एक ही लॉगरिथम है और उन सब टर्म्स को हमने कंबाइन कर दिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। राइट द फॉलोइंग इनटू द फॉर्म ऑफ सिंगल लॉगरिथम। तो सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में हम लिखेंगे, तो फर्स्ट पार्ट है log 21 plus log 5, this is like log a plus log b, और जब हम इसको सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखेंगे तो हम log a into log b के फॉर्म में लिखेंगे। इट मीन्स दिस इज इक्वल टू log 21 मल्टीप्लाई 5। सेकेंड पार्ट लॉग 25 माइनस 2 लॉग 3। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एक एक्सपोनेंट रूल अप्लाई करना है सेकेंड टर्म के ऊपर, क्योंकि लॉग से पहले एक नंबर मौजूद है 2, तो इसके ऊपर हम एक्सपोनेंट का रूल सबसे पहले अप्लाई करेंगे। तो मैं लिखूंगा log 25 माइनस अपनी जगह है, अब log, अब क्या होगा 3 की पावर में ये 2 आ जाएगा जो log की शुरू में है, तो 3 पावर 2। अब हम देखते हैं दिस इज लाइक log a माइनस log b, तो जब बीच में माइनस आता है तो हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। सो दिस इज इक्वल टू log ए ओवर बी 3 पावर 2। तो हमने इसको सिंगल लॉगरिथम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd के 3rd पार्ट के ऊपर, विच इज 2 log x माइनस 3 log y। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले एक्सपोनेंट रूल अप्लाई करेंगे। लॉग के शुरू में यहाँ पर 2 मौजूद है, तो इसको हम लिखेंगे लॉग एक्स पावर 2, पावर को हम 2 को हम पावर में ले आए, माइनस अपनी जगह है। उसके बाद ये 3 जो है वाई की पावर में लेके आएंगे, तो लॉग वाई पावर 3। अब ये इस तरह से हैं log a माइनस log b, फिर log और log के अंदर माइनस साइन आता है तो हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में। तो log a विच इज एक्स स्क्वेयर ओवर b विच इज y पावर 3, तो log a ओवर b की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। नाउ फोर्थ पार्ट log 5 प्लस log 6 माइनस log 2। अब यहां पर हम क्या करेंगे, जो पहले दो जो पहले जो दो टर्म्स जो है log 5 प्लस log 6, इन दोनों के ऊपर सबसे पहले रूल अप्लाई होगा दिस इज लॉग ए प्लस लॉग बी, इसको हम लिखेंगे लॉग ए इंटू बी। तो लॉग ए इंटू बी और माइनस लॉग टू अपनी जगह है। अब हम क्या करेंगे, दिस इज लाइक लॉग ए माइनस लॉग बी, दो लॉग के बीच में माइनस साइन है, तो अब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे लॉग ए ओवर बी की फॉर्म में। तो लॉग ए, ए क्या है 5 इंटू 6 ओवर बी, यहाँ पर क्या है 2, तो लॉग 5 इंटू 6 ओवर 2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। दो पार्ट्स है इस क्वेश्चन नंबर 4 की, इनको हमने सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है। लेकिन इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले एक रूल है लॉगरिथम का, वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये तीन तीन रूल्स को हमने अप्लाई कर दिया, तो अब ये एक चौथा रूल है
इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो वो इस तरह से है कि हम इसमें बेस की कन्वर्जन कर सकते हैं। वो इस तरह से है कि लॉग अगर हमारे पास लिखा हो लॉग ए टू द बेस बी, और रूल हमें क्या बताता है, रूल के मुताबिक ये जो आर्गुमेंट में ए लिखा हुआ है इसको के साथ अलग लॉग लिखें लॉग ए ओवर जो यहाँ पर बेस में लिखा हुआ है बी इसके साथ अलग लॉग लिखें, तो लॉग बी। अब क्या करें, जिस में भी आप कन्वर्ट करना चाहते हैं आप इसको डी लिखें बेस में और यहाँ पर भी डी लिख दें। अब ये एक इन जनरल है, कोई भी नंबर हो सकता है ये, क्योंकि अब हम हमारा जो काम है इस कोर्स का ताल्लुक बेस 10 के साथ है, तो बेस 10 हम इसका लिखेंगे। तो इट मींस कि अगर मैं इस डिस्कशन को सिंप्लीफाई कर दूं तो मैं इसको सिंपली ये लिख सकता हूं लॉग ए टू द बेस बी इज़ इक्वल टू, अब जो बेस में जो डी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो वो डी मैं नहीं लिखूँगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास बेस 10 है लॉग, तो हम इसको अब कन्वर्ट करके क्यों इस तरह से लिखते हैं लॉग ए ओवर लॉग बी, तो ये रूल हमारे पास है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेट लॉग 2 टू द बेस 3 मल्टीप्लाई लॉग 81 टू द बेस 2। अब हम कैलकुलेट करेंगे, ऊपर वाला रूल हम अप्लाई करेंगे। इस रूल के मुताबिक देखें ये लॉ ये 2 है और यहाँ पर 3 है, तो ऊपर वाले के साथ मैं लिखूँगा लॉग 2 ओवर बेस में जो 3 है इसके साथ मैं अलग लॉग लिखूँगा लॉग 3। इस तरह मल्टीप्लाई साइन है, और अब यहाँ पर लॉग 81 ओवर यहाँ पर बेस में क्या है 2, तो लॉग 2। यहाँ एक काम आसान हो गया है कि लॉग 2 और लॉग 2 को हम कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास रह जाता है लॉग 81 और नीचे रह जाता है लॉग 3। अब हम इसको 81 को लिख सकते हैं 3 पावर 4, 3 पावर 4 की सूरत में हम लिख सकते हैं, तो लॉग 3 पावर 4 ओवर लॉग 3, क्योंकि 3 पावर 4 81 की इक्वल है। तो यहाँ पर अगेन हम रूल अप्लाई कर सकते हैं, ये जो एक्सपोनेंट रूल है कि पावर शुरू में लेके आते हैं, तो पावर हमने शुरू में लिखा तो 4 log 3 ओवर लॉग 3। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लॉग 3 और लॉग 3 की कटिंग हो सकती है, तो अब हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 4। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट के ऊपर आते हैं, वो क्या है लॉग 3 टू द बेस 5 मल्टीप्लाई लॉग 25 टू द बेस 3। यहाँ पर भी हम रूल अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 3 ऊपर और बेस में 5 है, तो लॉग 3 ओवर लॉग 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 25 है ऊपर, तो लॉग 25 ओवर यहाँ पर बेस में 3 है लॉग 3। यहाँ पर भी
log 3 और log 3 की कटिंग हो जाती है, हमारे पास रह जाता है ऊपर log 25 और नीचे रह जाता है log 5। अब 25 को हम लिख सकते हैं 5 पावर 2, तो log 5 पावर 2 ओवर log 5। अब ऊपर एक्सपोनेंट रूल अप्लाई होगा, जो पावर है इसको हम शुरू में लिखेंगे, तो 2 log 5 ओवर log 5। तो log 5 और log 5 की कटिंग हो जाती है, हमारे पास आंसर रह जाता है 2। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। इफ log 2 इज इक्वल टू 0.3010, log 3 इज इक्वल टू 0.4771 एंड log 5 इज इक्वल टू 0.6990, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट पार्ट के ऊपर। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है log 32। तो हम अपने आसानी के लिए क्या करते हैं, हम ज़बानी भी कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीका क्या है कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें। तो 32 हमारे पास है, इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो वो किस तरह से हैं, सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 16 ज़र 32, फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं अगेन, तो 2 8 ज़र 16, अगेन डिवाइडेड बाय 2, 2 4 ज़र 8, अगेन डिवाइडेड बाय 2, 2 2 ज़र 4, अगेन डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़र 2। तो अब हमारे पास क्या, कितने 2's आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इन पांच 2's को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 32। तो हम इसको लिख सकते हैं log 32 के बजाय मैं इसको लिखता हूँ 2 पावर 5, क्योंकि कितने 5 है, कितने 2's है, 5, तो 2 पावर 5। तो अब हम क्या करेंगे, रूल के मुताबिक एक्सपोनेंशियल रूल लॉगरिथम का, तो पावर हम शुरू में ले आएंगे, तो 5 log 2, तो दिस इज इक्वल टू 5 log 2 की वैल्यू हमें गिवन है ऊपर, वो क्या है 0.3010। तो ये रूल अब हम क्या करेंगे, log 2 क्योंकि ऑलरेडी गिवन था, उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, अब हमने 5 अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0 5 0, और यहाँ पर आ जाएगा 5 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 15, तो 1 कैरी, और यहाँ पर 1 आ जाएगा 1.5050। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट हमारे पास है log 24। तो इस तरह हम 24 की भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 12 ज़र 24, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 ज़र 12, अगेन हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़र 6, और अब इस दफ़ा हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़र 3। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, ये 2 जो है वो 3 है और एक अलग 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं log 24 को लिख सकते हैं 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3। तो क्या है, 2 पावर 3 से आ जाता है 8, 8 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 3 इज 24। अब यहाँ पर log का रूल अप्लाई होगा, log 2 पावर 3, log a इंटू बी की फॉर्म में है, इसको मैं लिखता हूँ log a प्लस log b log 3। यहाँ पर एक्सपोनेंट रूल अप्लाई करता हूँ, तो ये 2 के ऊपर पावर 3 है, वो 3 शुरू में आ जाएगा, तो 3
log 2 plus log 3। अब क्योंकि log 2 और log 3 के वैल्यूज हमारे पास हैं, ये हम पुट कर देंगे, तो 3 मल्टीप्लाई log 3 log 2 0.3010 प्लस 0.4771। तो अब हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो ये आ जाएगा 0.9030 प्लस 0.4771, और फिर हम इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो प्लस करने के बाद हमारे पास ये आ जाता है 1.3801। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, यानी थर्ड पार्ट के ऊपर। फाइंड हमने क्या करना है, कैलकुलेट लॉग स्क्वायर रूट 3 1 ओवर 3। इसको हम लिख सकते हैं लॉग स्क्वायर रूट अपनी जगह है, इस इम्प्रॉपर इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर देंगे, तो 3 3 9 प्लस 1 10 ओवर 3, और इसको हम यू भी लिख सकते हैं लॉग 10 ओवर 3 होल पावर स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं पावर 1 ओवर 2। तो अब हम यहाँ पर लॉग का रूल हम अप्लाई कर देंगे, तो एक्सपोनेंशन एक्सपोनेंट वाला रूल, 1 ओवर 2 जो है पावर उसको हम शुरू में ले आएंगे, तो 1 ओवर 2 लॉग 10 ओवर 3, और इसको हम यू भी लिख सकते हैं 1 ओवर 2, मैं ब्रैकेट डालता हूँ। तो अब यहाँ पर फ्रैक्शन है तो 10 ओवर 3, तो यहाँ पर डिफरेंस वाला रूल अप्लाई होगा, लॉग 10 माइनस लॉग 3। अब क्योंकि हमें कुछ ऑलरेडी इंफॉर्मेशन गिवन है, यानी लॉग 2 की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, लॉग 3 की वैल्यू गिवन है और लॉग 5 की वैल्यू गिवन है, तो अब हम इस 10 को भी हम ब्रेक कर देते हैं, तो इसको हम यू लिखेंगे 1 ओवर 2 लॉग 10 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस लॉग 3 ब्रैकेट क्लोज। तो अब हम लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट में है 2 और 2 मल्टीप्लाई 5, तो हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं लॉग 2 प्लस लॉग 5 माइनस लॉग 3। अब लॉग 2 लॉग 3 और लॉग 5 की वैल्यूज हमारे पास हैं, ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले लॉग 2 हमारे पास है 0.3010 प्लस लॉग 5 की वैल्यू है 0.6990 माइनस लॉग 3 की वैल्यू हमें गिवन है वो है 0.4771। इनको हम प्लस माइनस कर देंगे कैलकुलेटर यूज करके, 0.3010 प्लस 0.6990 माइनस 0.4771, इनको हमें प्लस माइनस किया, हमारे पास इस ब्रैकेट के अंदर आ रहा है 0.5229। अब बाहर वाला जो 1 ओवर 2 है, जो कि असल में क्या है 2 से हम डिवाइड करेंगे, तो दिस नंबर डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आ जाता है 0.26145। तो यह है हमारा फाइनल आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, द फोर्थ पार्ट, लॉग 8 ओवर
थ्री, इसको हमने कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर लॉग का रूल अप्लाई होगा, लॉग एट माइनस लॉग थ्री। अब हम एट जो है इसको लिखेंगे इस तरीके से कि हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, टू से डिवाइड करते हैं, टू फोर ज़र एट, फिर टू से डिवाइड करते हैं, टू टू ज़र फोर, फिर टू से डिवाइड करते हैं, टू वन ज़र टू, यानी टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू विच इज़ इक्वल टू टू पावर थ्री, जो कि एट की इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं लॉग टू पावर थ्री माइनस लॉग थ्री। यहाँ पर थ्री जो है शुरू में आ जाएगा, तो थ्री लॉग टू एक्सपोनेंट रूल अप्लाई किया और माइनस लॉग थ्री। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं हम पुट कर देते हैं, तो थ्री लॉग टू की वैल्यू हमारे पास है विच इज़ 0.3010, माइनस लॉग थ्री की वैल्यू हमारे पास है 0.4771। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो थ्री मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 0.9030 माइनस 0.4771। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.9030 माइनस 0.4771, तो कैलकुलेटर की मदद से, तो ये हमारे पास आ जाता है 0.4259, तो ये हमारा फाइनल आंसर। नाउ लास्ट पार्ट अब क्वेश्चन नंबर फाइव लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, कैलकुलेट लॉग 30। तो इस तरीके से हम 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 15 ज़र, और अब हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 5 ज़र, और अब हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 1 ज़र, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो लॉग 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और इसको हम प्रोडक्ट में है क्योंकि, तो अलग अलग सम वाला रूल अप्लाई होगा, तो लॉग 2 प्लस, क्योंकि तीनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, अलग अलग लॉग के साथ प्लस में लिखेंगे, तो लॉग 3 प्लस लॉग 5। तो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, लॉग 2 की वैल्यू हमें गिवन है 0.3010 प्लस लॉग 3 की वैल्यू गिवन है 0.4771, और लॉग 5 की वैल्यू गिवन है विच इज 0.6990। अब हम इनको कैलकुलेटर की मदद से प्लस कर देंगे, 0.3010 प्लस 0.4771 प्लस 0.6990, तो ये हमारे पास आ जाता है 1.4771, तो ये है हमारा फाइनल आंसर, एंड दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 3.3।